एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है तो ये देखो हमारा होमोजीनियस टर्म है न्यूमिरेटर की डिग्री कितनी है वन प्लस वन टू डिग्री और ये भी दोनों टू डिग्री के हैं तो जब भी होमोजीनियस फॉर्म होता है होमोजीनियस है ना होमोजीनियस ठीक है और जब भी ये होमोजीनियस का फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं लेट y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करते हैं ठीक है तो यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस x का डिफ्रेंशिएशन वन प्लस एक्स यानी वही प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन राइट right? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स तो यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई की जगह हम क्या रख रहे हैं और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन माइनस वी स्क्वायर राइट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वाइट तो यहाँ से डीवी बाई डी एक्स क्या जाएगा? इसको वी ऐसे लिख सकते हैं ना तो ये देखो क्या हो जाएगा ये अपना हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वी स्क्वायर एंड दिस इज वी माइनस वी वन माइनस वी स्क्वायर राइट तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वी प्लस वी क्यूब होल अपॉन में वन माइनस वी स्क्वायर ये कैंसिल अब क्या करेंगे हम v वाले टर्म एक तरफ और x वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं तो ये देखो डिनोमिनेटर में तो ये न्यूमिरेटर में चला जाएगा और ये न्यूमिरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये हो जाएगा dv और ये क्या हो जाएगा dx और न्यूमिरेटर में था तो डिनोमिनेटर में अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम करेंगे यहाँ से इंटीग्रेट बोथ साइट ठीक है दोनों तरफ अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब डी वी इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब डी वी इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी राइट right? तो ये देखो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन वी क्यूब डी वी माइनस दिस इज वन अपॉन वी डी वी इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स राइट तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी देख लेता वन अपॉन वी क्यूब इसको हम लिख सकते हैं वी की पावर माइनस थ्री डी वी राइट ये हो जाएगा वन अपॉन वी डी वी इज ईक्व टू वन अपॉन एक्स डी एक्स तो हमें पता है कि अगर हमारे पास x की पावर n dx होता है तो ये होता है x की पावर n प्लस वन एन प्लस वन होल अपॉन में राइट तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी v की पावर माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन हो जाएगा v की पावर माइनस थ्री प्लस वन होल अपॉन में माइनस थ्री प्लस वन माइनस ऑफ log v इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस लॉग c राइट है ना तो देखो ये क्या हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी v की पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू तो माइनस वन अपॉन टू वी स्क्वाजल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी प्लस लॉग वी राइट और हमें पता है कि लॉग एम इंटू एन क्या लिखते हैं हम लॉग एम प्लस लॉग एन राइट यही लिखते हैं ना तो देखो ये क्या हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी लॉग एक्स इंटू वी इंटू सी इज इक्वल टू

राइट। right? तो तो से y C क्या हो जाएगा? E की पावर तो ये अपना आंसर आएगा, आएगा। ठीक है? इसको सॉल्व करके लेके नीट आई आई, आई टीजेंस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर